नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और आज मंडे 6th of September, आज के मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसको एक बार देखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में हम मार्केट को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट उसके हिसाब से क्या उसको देख के प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा गहन विश्लेषण करेंगे। तो उससे पहले एक बार इनके दर्शन कर लेते हैं। गाइस, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं। इनके साथ मेरी वीडियो देखते हैं तो वो टोटली मेरा पर्सनल व्यू है, जो कि एजुकेशन पर्पस के लिए हुई भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी आप करते हैं तो अपने किसी वित्तीय सलाहकार के अनुसार कीजिए, उससे जरूर लिए, क्योंकि मार्केट जोखिम के अधीन है, है ना? सुनते हैं ना ऐसा। और अगर आप नए हैं और या फिर पुराने हैं, आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डायरेक्ट अपस्टॉक्स में अपना लिंक खोल सकते हैं। नहीं खोलना है कोई जरूरी नहीं है। ग्रीन ट्रेडर आप हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, उसका लिंक भी नीचे है, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है, जिसमें मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट के बारे में, जो मेरे दिमाग में आता है बताता रहता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए अपना सीधा का सीधा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे गाइस। निफ्टी के बाद देखते हैं उसके बाद क्या आगे रहता है। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक डोजी टाइप कैंडल बनी स्पिन, और उसमें कुछ ऊपर नीचे हम कह नहीं सकते इसका। कल के लिए एज पर टेक्निकल हाई भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कल ही के लिए एज पर टेक्निकल इसका लो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लो टूटेगा तो एक बार आप कल को सेल करके खेल सकते हैं। पहला टारगेट आप करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी नॉर्मल ये 15 मिनट का चार्ट लगाए तो अरे भाई आज तो कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा है ना, नील बटे सन्नाटा था, आज तो दबा के इन्होंने लूटा है भाई, राइटर वालों ने दबा के पैसा बन गया। ये लेवल लिखिए दोस्तों, कल अगर 300 आज का जो लो है उसको मार्क करिए, वो अगर टूटता है ठीक है तो कल आपको देखने को मिल सकता है सबसे पहले 320 के बाद ये कह रहा है 280 के बाद 230। ठीक है, और अगर 230 के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया तो अपना पुट कैरी करके जाइए। अब कैरी करने वाला मतलब कम से कम मंथली होना चाहिए सितंबर मंथ का, सेम वीक कैरी कर रहे हो तुम ही खुद जिम्मेदार हो। वैसे तो मैं सितंबर के लिए भी जिम्मेदार नहीं हूं, सेम वीक जो कैरी करता है उससे बड़ा गधा कोई है ही नहीं। आपको 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, 90% टाइम्स यू विल बी इन लॉस अगर आप सेम वीक सीपी कैरी करते हो तो। ठीक है, ये तीन टारगेट रहेंगे सेल साइड के। 320 टूटेगा तो सॉरी 300 आज का जो लो है 340 के कुछ ये करीब है, उसको देख लीजिएगा आज का लो, देख के बता ही देते हैं फिर एनालिसिस किस चीज को करो। आज का लो क्या है 345 तोड़े तो 320 तोड़े तो 280 तोड़े तो 230 के लगभग। यहाँ पे आके जरूर एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 230 तोड़ के भी नीचे क्लोज करता है तो फिर भैया अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। पहला पड़ाव ही आपका फिर क्या कहते हैं 180 और 130 के लगभग आ रहा है। एंड अल्टीमेटली आ जाइए, ये तो हो गए लेवल्स। बाई साइड भाई बिल्कुल दोस्तों मैं मना करूंगा, जिसको फिर भी लग रहा है कि उसका मौका छूट रहा है, मेरी तरफ से बिंदास बाई करें। ये किस दिन घूमेगा, कल की डेट है, परसों की डेट है, नरसों की डेट है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इसको अगले कुछ दिनों में 5 दिन में 6 दिन में अगले मुश्किल से 9 से 10 दिन में इसको घूमना है और इसको इस लाइन तक आना है। ठीक है, ये मैं हरे रंग की रखता हूँ, ये लाइन कैसे चेंज रंग के नीला कैसे हो रहा है, ये है इसका मिनिमम डेस्टिनेशन। और कल आना चाहता है, परसों आना चाहता है, नरसों आना चाहता है, वो मुझे नहीं पता, बट इसको टच करने से इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो अपसाइड अगर आप खेल रहे हैं तो प्लीज स्ट्रिक्ट ट्रेल योर एसएल, स्ट्रिक्ट ट्रेल मतलब ट्रेलिंग करते चले। ठीक है, और 230 के नीचे मार्केट अगर क्लोज दे देता है तो बाई साइड में बैठ मत जाना, स्पेशली जो कैरी करना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फ्रेश पोजीशन सेल साइड, हम एक तरीके से और
इनिशिएट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे मार्क करके रखिए। मैं थोड़ा दिन में लैपटॉप में देख रहा था, ठीक है, जब तक ये चीज यहाँ पे रेडी है, ठीक है, ये और इसके बाद ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ठीक है, लेवल टूटेंगे तो नीचे खेलने के लिए तैयार रहिएगा। अबे क्या दिक्कत है भाई, तुम तो जीरो दा में यही कष्ट बस साले के प्लेटफॉर्म की एडिक्शन है और कुछ नहीं। चला अब चला, हाँ ये लेवल नीचे की तरफ मेरे हिसाब से आना चाहिए। मैं आपको निकाल के बता देता हूं अगले दो तीन दिन में ये कहां, 16809 तारीख को आ रहा है, 16900 16900, तो इसको लंबा खींच लेते हैं, ठीक है। तो भैया 16800 16900 के बीच ही पहला सपोर्ट होगा जब अच्छी खासी गिरावट आएगी, ठीक है। तो जिस दिन 16230 के नीचे क्लोज हो जाए उस दिन कैरी करके चले जाना अपनी पुट और फ्रेश सेल। ये लाइन अगर ब्रीच होती है, ठीक है, जो मैंने अभी खींची है, इसको और आप प्रिसाइजली लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसी का यही तक ये टूटता है तो सिंपल आपको सबसे पहले तो 16320 16300 के दर्शन होने चाहिए इस लाइन के टूटते ही, 320 320 इंट्राडे के लेवल इससे पहले मैंने बताया। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, ये किस दिन घूमे उस दिन इसकी मर्जी है, बट ये घूमेगा जरूर, ये घूमेगा जरूर। मैं पिछले 3 साल में आज तक फेल नहीं हुआ हूं, आज तक, ठीक है, ये 20 EMA टच होना ही होना है। 17500 की पुट कब एवरेज कब कुछ, अभी अगर मार्केट यहां से कल भी गिर जाता है ना तो एवरेज करने की जरूरत नहीं, उसी में प्रॉफिट हो जाएगा। जब मुझे दिखेगा कि हाँ भैया अब गिरेगा तो शायद हमको इतना प्रॉफिट ना हो, अब एवरेज करने का फायदा है, मैं तभी एवरेज करूंगा, उसको अननेसेसरी एवरेज करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहां से भी मार्केट नीचे गिर जाता है तब भी आपको 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से, आराम से मिल जाएंगे। और वो अक्टूबर की पुट है, इतना ज्यादा कुल मिलाइए मत, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे मंडे का दिन ही गया है आज। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस बाय साइड। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल हूं ही नहीं किसी भी हालत में नहीं हूं। RSI भी इसकी बहुत ऊपर चली गई होगी, देख लेते हैं, आपके सामने निकाल के देखता हूं। ठीक है 83.41 इस पूरी रैली में अब तक नहीं आया है, यहां मैंने लाइन खींची हुई है, इस जगह हाईएस्ट है। तो फिर भी कोई बाय करना चाह रहा है तो भैया करे यार, कौन रोक रहा है। मेरे को मैसेज करके मत बोलो हम बाय करना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से बाय नहीं कर रहे। अबे मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला, मेरा इतना ही कहां मान रहे होते ना तो प्रॉफिट में बैठे होते आज, ठीक है। अगर मेरा इतना ही कहां मान रहे होते तो प्रॉफिट में बैठे होते अगस्त में, मैं आपको बता रहा हूं अगस्त ये पूरे साल का मेरा अब तक का बेस्ट मंथ गया है, मेरा सैलरी का 2.5 टाइम पैसा बनाया उसमें, ठीक है। IEX हिंदुस्तान फूड कैंप्स और क्या कहते हैं ये इंडिया मार्ट FLA, ठीक है, ये BLS इंटरनेशनल, अरे जिस दिन मैंने जो बाई किया अगले दिन 5% 10% भागा है। तो मेरे कहने के ऊपर गए होते ना तो पूछते भी नहीं कि तुम्हारी वैसे ऐसे हो रहा है, बोलते भैया अरे यार गुरु। ये देखो दोस्तों ये है, और मैं एक लाइन खींचता हूं तो आपको छोटा सा बता देता हूं, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, ये थोड़ा सा जूम करके ताकि इसमें सिर्फ RSI देखेगा और कुछ नहीं देखेगा,
ये सबसे टॉप पॉइंट है यहाँ पे जहां पे मेरा एक क्रॉसर घूम रहा है, ये सबसे टॉप पॉइंट है आरएसआई का जो इस रैली में छुआ है, ये मैंने जहां खींच दिया, ठीक है। ये अब ये देख लीजिए आप, ये कितना आता है, एट्टी के लगभग कुछ आ रहा है, ठीक है, एट्टी के लगभग। और आरएसआई की यहाँ पे इंडेक्स कितना चल रहा है, 14,700 कुछ पे चल रहा है, ठीक है। वहां से कितना आया नीचे, 13,600 आया, देख लीजिए आप। और कहां पर इस लाइन को छू रहा है, तो कहीं छू ही नहीं रहा, और कहीं हिम्मत ही नहीं है इसको छूने की। यहां पे छुआ एक बार, ये रहा जहां पे अभी मेरा कर्सर है, ये दो ही जगह छुआ है, ठीक है। एक ये है, यहां भी 80 के लगभग आया है, यहां भी देख लेते हैं, आपके सामने ही देखता हूं, ये यहां भी देखो आप कितना है, टॉप है 13,777, इधर दिख रहा होगा हाई, देखिए 13,377, लो देखिए फिर कितना लगा है, 13,131। तो भैया 500-600 पॉइंट की गिरावट आनी आनी है, और इससे ऊपर तो अब तक गया ही नहीं है। अब ये लाइन को मैं हटाता हूँ, ये लाइन ही मैंने 81 पे खींची है, आज की आरएसआई देख लो आप 83.41। तो यहां पे अगर कोई बाई कर रहा है ना भैया, भगवान मालिक है, ठीक है, और मैं दुआ करूंगा प्रॉफिट हो उसको। अब मार्केट है, मार्केट 85 का विक्स दिखा सकता है, तो हो सकता है साला निफ्टी में कल को 92 का आरएसआई भी आ जाए। पर भैया क्यों 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 कुल्हाड़ी पे पैर रखना है यार, जब आपको पता है पीछे 80-81 के आरएसआई आने के बाद 1,600 पॉइंट की गिरावट आती है, काहे बाई करना है यार। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं था, मैंने आपको समझा दिया, आपका वेल विशर समझ के ही जो मैं कर रहा हूँ वो भी बता दिया। फिर भी भैया मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, और मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मेरे पिताजी मेरे घर वालों का मार्केट नहीं है, मैं प्रीवियस डेटा को स्टडी एनालिसिस करके ही आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। आगे अगर ये सबकी बैंड बजाने के मूड में है तो भैया बैंड सबकी बजेगी, ठीक है, दैट्स इट दोस्तों। बट इसको छुए बिना ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, जो मर्जी उड़ाना है, इसको छुए बिना भाग नहीं सकता है ज्यादा, दैट्स इट दोस्तों। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अलग वीडियो पोस्ट करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, काफी लोगों ने बोला है 19-19 मिनट की वीडियो कोई देखता नहीं है, तो बैंक निफ्टी की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।